नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, ऋषि प्रणाली भाग दो को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में वाक्यांश 10 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ वाक्यांश ऐसे हैं जो काफ़ी टफ हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इजी बनाएंगे, है ना। अब इजी कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला वाक्यांश है हमारे पास, जो कुछ किया है। अब ये देखिए कैसे बना लेंगे, ये जो का सब चिन्ह होता है हमारे पास, लाइन पर ऐसे जा रखते हैं तो हो जाता है जो, और कौन लाइन के ऊपर, कुछ लाइन पर, तो लाइन पर यहाँ पे हमने कुछ को जोड़ दिया तो जो, और ये हो गया कुछ का सब चिन्ह। कुछ किया है तो ये किया अब हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और क्या को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सब चिन्हों को हम लोगों ने छोड़ दिया है, है ना। तो ये किया हो गया और ये हो गया क्या। तो अब हम क्या करेंगे, जो कुछ और ये किया है, यानी कि इसको जोड़ लेंगे, किया है को, है ना, किया, सॉरी, ये किया और इसी में हमने जोड़ लिया है, तो जो कुछ किया और ये हो गया है। तो कुछ आपको याद ही नहीं करना है इसके लिए, है ना। अच्छा, अब आपके बुक में जो दिया है वो देखिए इस तरह से दिया है, यहां मैं बता दे रहा हूं अलग, ये जो कुछ ऐसे है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इस वाले चिन्ह को किस रूप में ले सकते हैं, जो कुछ और ये गया है, है ना, ये जो कुछ किया है पढ़ सकते हैं, तो इसको जो कुछ गया है पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये किया और गया में अंतर पैदा करने के लिए ही हमने इसको अलग करवा दिया था, है ना, क्या किया और ये गया, गया गई गया लाइन पर होता है ना, खाली ग होता है वहां पर, तो जो कुछ किया है आराम से आप बना सकते हैं। आगे है, कहा जा रहा था, अब इसको कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये कहा का सब चिन्ह आपको पता है, क और ह लाइन के ऊपर बनाए, यानी इस बड़े वृत्त से ह को यहाँ पर हम सूचित करते हैं, तो ये कहा का सब चिन्ह है ना, और ये जा की रेखा रहेगी, लेकिन इसकी साइड डबल कर देंगे, तो कहा जा रहा, अब ज में रहा भी जुड़ जाए, रहा और ये था, तो इस तरह से बना लेंगे, कहा जा रहा, ये जा रहा और ये जोड़ लिया था, तो कहा जा रहा था, है ना। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं याद करना है। आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक हो सके, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देख लीजिए, लाइन के ऊपर अगर हम लोग जहाँ का सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर, है ना, तो ये हो गया जहाँ, ये जहाँ हम लोग ऐसे बनाते हैं, जहाँ और इसमें जोड़ दिया तक, तो जहाँ तक, अब हो का करते हैं हम लोग लोप और बना देते हैं इसमें सके, तो अब आप इसको देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जहाँ तक सके, तो जब तक आप बीच में हो नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका वाक्यांश कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, जहाँ तक सके को आप क्या पढ़ेंगे, जहाँ तक हो सके, अब बीच में हो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना, जहाँ तक सके यानी कि जहाँ तक हो सके, आप हो अपने आप से बीच में पढ़ लेंगे जब इसका अनुवाद करेंगे, है ना। तो जहाँ तक हो सके को जहाँ तक सके लिखते हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ है, मुझको यह कहना है, अब इसको कैसे बनाएंगे, आपके बुक में कुछ और तरीके से दिया है, लेकिन इजी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी आसान, कुछ नहीं करना है। ये देखिए, मुझको आपको लिखने आता है, ये मुझ हो जाता है और ये को हो जाता है लाइन के बीच में, है ना, तो मुझको हो गया, यहाँ तक बना लेंगे। यह के सब चिन्ह को यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो आउटलाइन होगा ना, इसका जो चिन्ह होगा मुझको यह कहना का, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यह को यह से सूचित करते हैं, तो ऐसे यह बना लेते हैं बस। तो मुझको यह और ये कहना ऐसे नीचे बनता है, कहना का सब चिन्ह होता है इस तरह से, कहना, है ना, तो मुझको यह कहना और इसी में जोड़ लेते हैं है, मुझको यह कहना है, है ना। तो ये कहना और ये डैश बढ़ा के है को जोड़ने के लिए ही डैश बढ़ाते हैं और कुछ नहीं है। तो मुझको यह से यह और ये कहना का सब चिन्ह हमने यहाँ पर जोड़ लिया, कहना और डैश बढ़ा के है को जोड़ लिया बस, है ना, तो काफ़ी ईजी है। देखिए, अब से देख लीजिए, ये हो गया मुझको सब चिन्ह है, यह है, या से यह है, और ये कहना का सब चिन्ह है, कहना और ये इसी में जोड़ लिया है, तो मुझको यह कहना है। अब आपके बुक में क्या किया है उसको समझ लीजिए, वो भी यही काम किया है, लेकिन उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ये देख लीजिए, ये मुझको ऐसे बनाया है, फिर यह बनाया है, लेकिन किस तरह बनाया, ऐसे यह बनाया है, तो ये मुझको यह से यह पढ़ रहा है वहाँ पर भी, यह
और ये कहना और ये है, ऐसे ही तो है आपकी बुक में चिन्ह, बस उसी को हमने क्या किया, पलट दिया है कि यह आपका स्पष्ट हो सके। तो मुझको यह कहना है, अब इसको देखिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, इस आउटलाइन को थोड़ा लाइन के बीच में बनाइएगा, है ना, हमसे थोड़ा सा लाइन पर बन गया है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, बीच में रहेगा ये मुझको की वजह से। और इसमें देखिए कहना भी लाइन के बीच में ही होता है, तो थोड़ा सा लाइन के, वैसे तो ये भी सही है लेकिन लाइन के बीच में बना देंगे तो थोड़ी समझने में और भी आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है पहले ही कहा जा चुका है। तो पहले ही कहा जा चुका है को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। इसको भी हम लोग याद नहीं करेंगे। पहला पहले का सब चिन्ह आपको पता है, हम लोग छोड़ चुके हैं पहला से पहला या पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसी को हम लोग लेंगे, किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये हो गया, ही का वृत्त होता है ना ऐसे छोटा सा, तो इसको ले लिया, तो पहले ही। आगे क्या है, कहा, तो कहा के सब चिन्ह को ले लिया, कहा जा चुका है, तो ये कहा में जोड़ा जा और कह से चुका है हो जाता है, आपको पता ही है क्रिया के अंतिम व्यंजन को अगर हम काट दें या उसके नीचे कह को रख दें तो ये चुका है पढ़ा जाता है ना, कह से चुका है पढ़ा जाता है, तो पहले ही कहा जा चुका है। तो आपको क्या इसमें समझना पड़ रहा है, कुछ नहीं, जो पहले से चिन्ह हमें पता है उन्हीं का तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्यांश है जैसा पहले कहा जा चुका है। तो जैसा का तो सब चिन्ह होता है लाइन के बीच में, ऐसे जैसा बनाते हैं तो जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये जैसा हम लोग इस तरह से बनाएंगे क्योंकि अब ये वृत्त जो है ना बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि पहले इसमें जोड़ना था, तो जैसे और ये पहले, यहाँ तक समझ में आ गया, जैसा पहले, आगे है कहा जा चुका है, तो ये बनाया कहा जा और ये चुका है से हमने काट दिया और कुछ नहीं किया, तो जैसा पहले और ये कहा जा चुका है ना। तो कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, पूरा वाक्यांश बन जाएगा। तो जैसा पहले कहा जा चुका है, आगे है अब हमें मालूम हुआ। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि अगर ये सिंगल आता है अब, या आप तो आप हम लोग लाइन के बीच में ऐसे बनाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं आ और इसको पढ़ लेते हैं प, तो इससे क्या फायदा होता है कि बाद वाले सिंबल से आपका सिंबल अलग हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर डैश देने के लिए आपको बताया था। तो ये हो गया आप, और अब अगर सिंगल आता है तो अब को हम लोग इस तरह से बनाते हैं अब, है ना, तो ये हो जाता है आप और ये हो जाता है अब। लेकिन अगर ये इसके बाद कोई शब्द आता है या कोई व्यंजन आता है तब हम क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि जो बुक में शब्द चिन्ह है उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो आप के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं और अब के लिए जो है हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं, है ना। जब कोई शब्द इसके बाद आएगा तब, तो यहाँ पर देखिए अब हमें मालूम हो, अब के बाद हमें को भी तो जोड़ना है, यानी कि शब्द चिन्ह है अगला या कोई शब्द भी आता है तो हम बुक वाले शब्द चिन्ह का प्रयोग करते हैं आपके लिए। तो अब हमें लिखना है अब हमें मालूम हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, अब के लिए बुक वाले शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया अब और ये हो गया हमें, लाइन के बीच में इसे बनाते हैं तो ये हो जाता है हम, है ना। तो अब हमें और ये मालूम का शब्द चिन्ह है, लाइन के बीच में माँ बनाते हैं तो मालूम लाइन पर मध्य मतलब हो जाता है, तो अब हमें मालूम और ये हुआ हुई का सब चिन्ह होता है, हुआ और ये हो गया है, तो अब हमें मालूम हुआ है, तो हुआ हुई हुए का ये सब चिन्ह होता है ना, तो हुआ हुई तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं, होता होना के सब चिन्ह को हमने अलग कर लिया है, तो ये हो जाएगा अब हमें मालूम हुआ है। तो अब बताइए क्या याद करना पड़ा, कुछ याद करना पड़ा आपको, कुछ नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला है तुमने समझ लिया है। तो तुमने समझ लिया है को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये जब हम तुम को लाइन पर बनाएंगे ना ऐसे तुम, तो इसको तो तुम हम लोग पढ़ेंगे ही, फिर आगे ये सम से पढ़ते हैं समझ, तो तुम समझ, सम से समझ लिया और ये है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि तुम समझ लिया है तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, तुमने समझ लिया है, यानी लिखा क्या है, तुम सम लिया है, तो तुम से तुमने, सम से समझ और ल से लिया है, तो तुम समझ लिया है,
तुम सम लिया है तो होगा ना, क्या हो जाएगा, तुमने समझ लिया है ना। तो आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहां पर एक तरीका और भी है इसको लिखने का, एक तो ये है सबसे इजी, ये चिन्ह है आपका और ये आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं और जल्दी से आप इसको लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर और भी तरीके से लिख सकते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, तुमने समझ लिया है को अगर हमें लिखना है तो पहले वाले चिन्हों के माध्यम से अगर इसको हम लोग बनाना चाहते हैं तो किस तरह बना सकते हैं, ये देखिए, तुम और ये ने, तुमने तो आप ऐसे ही लिखते हैं ना, तुमने और ये समझ, स म और ये झ, समझ, तो समझ हम लोग ऐसे ही लिखते हैं डिक्टेशन विथ आउटलाइन में, हमने कई बार इसको बताया है। तो तुमने समझ और ये लिया और ये है, तो तुमने समझ लिया है एक में हमने जोड़ दिया है ना, ये झ को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये झ को काट के झ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो समझ, समझ लिया है होगा नहीं, समझ लिया ही है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है तुमने देख लिया है, तो अब ये देखिए इसको हम लोग समझेंगे। ये लाइन पर हमने बनाया तुम है ना, फिर क्या लिखना है, देख लिया, तो देख हम लोग इस तरह से पूरा नहीं लिखेंगे कि द बनाए ख बनाए है ना, ऐसा कुछ नहीं करना हम लोगों को। सब चिन्हों में ये वाक्यांशों में क्या होता है कि अगर बीच में ख आता है तो इसको पढ़ लेते हैं देख, खा खा नहीं पढ़ेंगे इसको, हम खा को देख पढ़ते हैं है ना, ऐसे देख लिखने लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया तुम देख और ये लिया, ल से लिया और ये जोड़ा है, तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ तुम देख लिया है, नहीं ये तुम को हम यहाँ पढ़ेंगे तुमने, तो तुम देख लिया है तो कोई वाक्यांश ही नहीं होता है, क्या होगा तुमने देख लिया है, तुम को क्या पढ़ेंगे यहाँ पर तुमने, खा को देख और ये लिया और ये है, तो तुमने देख लिया है ना। बस आप लोग इसको समझिए, कहीं भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझ लिए तो कुछ नहीं करना है। ये तुमने तब तो ये तुमने आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लाख भी कोशिश करेंगे इस चिन्ह को देख करके तुम देख लिया है पढ़ ही नहीं सकते, क्या पढ़ेंगे तुमने देख लिया है, इजी है एकदम है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे है क्या तुम बता सकते हो, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या तुम बता सकते हो को ये देख लीजिए, अभी हमने आपको बताया है ना क्या को जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे लाइन पर लिखते हैं, ये क और ये या को ऐसे लाइन पर लिख देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, लेकिन ऐसे लाइन के नीचे, ऐसे लाइन पर रख करके या को नीचे कर देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं किया, तो इसको पढ़ते हैं क ऐसे क्या, इसको पढ़ लेते क पर एक ही मात्रा लग जाती तो किया, तो आपको इसे क्या किया में अंतर स्पष्ट पता चल जाता है देखते ही है ना। तो यहाँ पर है क्या, अब आगे क्या है तुम, तो तुम का सब चिन्ह होता है ऐसे, तो क्या में तुम के सब चिन्ह को ऐसे हमने जोड़ दिया तो क्या याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं आपको, तो क्या ये तुम, बस इतना ही तो आपने किया है, बता सकते हो, तो यहाँ लेते हैं ऐसे ब से पढ़ते हैं बता, तो आंकड़े को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो क्या तुम बता और ये सकते और ये जोड़ दिया हो, तो क्या तुम बता सकते हो, यहाँ कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिखिए तुम के सब चिन्ह को लिखिए, ब से बता और ये सक से सकते और ये हो, आपको पता ही है ऊपर जाता है, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं क्या तुम बता सकते हो। अच्छा, अब आप अपने बुक के बुक में जो क्या का सब चिन्ह है उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से कैसे लिख सकते हैं इसी वाक्यांश को, इसको देख लीजिए, आपके बुक में क्या ऐसे होता है लाइन के बीच में खाली क्या, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं तुम को पलट देते हैं है ना, तो क्या तुम और ये बस बता सकते हो, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा आउटलाइन है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको याद नहीं करना, देखते ही पकड़ लेंगे कि क्या ही लिखा हुआ है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या तुम कह सकते हो, अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे क्या तुम कह सकते हो को, अब ये आपको पता है क्या हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, अब ये क्या और ये हो गया तुम, लाइन पे म बनाए तो छोटा सा म बनाए तो इसको तुम का चिन्ह होता है ना इस तरह से, तो इसी को हमने यहाँ पर जोड़ा है, तो क्या तुम, अब ये कह, कह का सब चिन्ह होता है कह, अब इसी कह में जो ये वृत्त है ना इसी को फिर सकते के लिए यूज कर लेते हैं, तो क्या तुम कह सकते और ये हो है ना, तो कुछ याद नहीं करना है आपको, ये हो गया क्या, क्या का सब चिन्ह है हमारे पास, ये हो गया तुम का सब चिन्ह और ये कह, कह का सब चिन्ह,
फिर यका में जो अंत में जो वृत्त है इसका प्रयोग कर लेंगे, स का इधर इधर का है ना, तो ये सकते, स का से सकते और ये हो, क्या तुम कह सकते हो। तो यहाँ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं हो सकता। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ के साथ ना ये नहीं जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो कुछ की ये वाली रेखा आती है वैसे ही रेखा इधर ना वाली भी आती है, ये नहीं को जब जोड़ते हैं तो इसलिए ये डिस्टर्ब करता है ना, इधर ही लगभग ये भी रेखा आ रही है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कुछ को पलट लेते हैं, जहाँ भी नहीं के साथ कुछ को जोड़ना है तो कुछ को पलट लेते हैं। तो कुछ तो ऐसे होता है ना लाइन पर, इसको पलटेंगे लाइन पर ही पलटेंगे, तो ये हो जाता है कुछ। अब ये नहीं जब जोड़ेंगे तो कुछ वाली रेखा के अपोजिट में नहीं जाता है तो आसानी से ये जुड़ जाता है, तो कुछ नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हो सकता लिखना था लेकिन ये खाली लिखते हैं सकता, है ना, तो कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं और ये सकता। तो आप इसको पढ़ के देखिए, कुछ नहीं सकता, जब तक आप इसमें हो नहीं डालेंगे इस वाक्यांश में तब तक वाक्यांश आपका कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं सकता को पढ़ते हैं कुछ नहीं हो सकता, आपको जब ये चिन्ह देखेंगे तो अपने तरफ से हो आपको डालना पड़ेगा, तो कुछ नहीं सकता को ही इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है हो ही कैसे सकता है। अब हो ही कैसे सकता है कि चिन्ह को अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं। आपके बुक में जो दिया है उसको अगर पढ़ना हो तो काफ़ी टफ भी है और काफ़ी लंबा संकेत भी बन रहा है, यानी कि उसका चिन्ह काफ़ी लंबा बन रहा है। इसको हम लोग बिल्कुल आसान कर लेंगे, हो ही कैसे सकता है, और याद भी नहीं करना पड़ेगा। देख लीजिए कैसे नहीं याद करना पड़ेगा, ये देखिए हो का सब चिन्ह आपको पता है पहले से ना, कुछ पूछना ही नहीं है आपको, कई बार लिखे हुए हैं, है ना। तो हो और इसी में ऐसे नीचे बना दीजिए छोटा सा वृत्त, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ही, तो हो ही और ये कैसा कैसी कैसे यहाँ पर जोड़ दिया, ये देख लीजिए ये हो गया हो और ये छोटा वृत्त तो ही कैसे, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे। फिर अब ये कैसे में जो अंत में ये स वृत्त है ना, इसी का प्रयोग कर लेंगे ये स का के लिए, यानी कि सकता के लिए, तो हो ही कैसे और ये सकता और इसमें हमने जोड़ दिया है, तो आपको बताइए क्या समझना पड़ा इसमें, कुछ नहीं है ना। तो हो ही कैसे सकता है आराम से बन गया और देखते ही हम पकड़ भी लेंगे इसको, हो ही कैसे सकता है। आगे है बतला देना चाहता हूँ, अगर इसको हमको संकेत लिपि में लिखना हो यानी इसके चिन्ह को बनाना हो तो किस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग, आइए देख लेते हैं। इसको भी हमें याद नहीं करना, देख लीजिए कैसे, ये हो गया ब और ये हो गया तला, ये त है और ये ला का आंकड़ा, तो यहाँ तक तो आपको याद करना नहीं है, तो ये क्या हो गया बतला और इसी में हमने जोड़ा दे देना देता वाले सब चिन्ह को, तो बतला दे देना देता, तो देना और ये चाहता का चाप लगाया और इसमें जोड़ दिया हूँ, तो बतला देना चाहता है को हूँ ही पढ़ सकते हैं, है तो बतला देना चाहता है तो होगा नहीं, तो बतला देना चाहता हूँ ये शुद्ध वाक्यांश हमारा होगा, है ना, तो बतला देना चाहता हूँ। अच्छा अगर आपको लिखना ही है बतला देना चाहता है तो आप जिस वाक्य में इस वाक्यांश को रखेंगे ना तो पूरा मुहावरे से पकड़ में आ जाता है कि बतला देना चाहता हूँ है या बतला देना चाहता है, लेकिन चिन्ह इसी चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो बतला और दे देना देता का सब चीज़, तो ये देना चाहता का चाप चाहता और ये इसमें जोड़ दिया हूँ, तो आप बताइए क्या याद करना पड़ा इसमें, है ना, कुछ याद नहीं करना है आपको। आगे है कह देना चाहता हूँ, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे, ये देख लीजिए ये क और बड़े वृत्त से हो जाता है ह, तो कह और देना का ये सब चिन्ह हो गया, तो देना और इसमें जोड़ा चाहता का चाप चाहता और ये हूँ, तो कह देना चाहता है या कह देना चाहता हूँ इसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाक्यांश है हम नहीं कह सकते, तो इसको आइए बना लेते हैं। आज के वाक्यांशों को पढ़ करके आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, है ना, किसी भी वाक्यांश को हमने ऐसा नहीं बताया है कि जिसे आपको याद करना पड़े। यहाँ देखिए लिखा हम नहीं कह सकते, इसको भी बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ये देख लीजिए ये हम का सब चिन्ह आपको पता है लाइन के बीच में होता है, बना लेंगे इसमें जोड़ दीजिए नहीं, कोई दिक्कत आपको, ये हम जोड़ा और ये नहीं जोड़ा, बस यही तो, जैसे ये हम हो गया और इसमें जोड़ दिया नहीं, और तो कुछ किया नहीं हमने, तो हम नहीं, ये हो गया कह
क और ये हाँ थोड़ा सा बड़ा वृत्त बनाइएगा, नहीं भी बनाएंगे तब भी और कुछ नहीं पढ़ सकते, इसको क ही पढ़ेंगे। तो हम नहीं कह, अब इसी कह में जो ये वृत्त है लास्ट वाला ना, इसी को प्रयोग कर लेंगे स के लिए। तो ये स क और ये ते, तो हम नहीं कह सकते। और भी कुछ पढ़ करके आप दिखा दीजिए, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे इसके अलावा। हम नहीं कह सकते ही आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हम नहीं कह सकते, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, हम जोड़ा नहीं जोड़ा, और ये कह और ये इस कह में जो लास्ट वाला वृत्त है इसी को पढ़ लेंगे सकते के लिए प्रयोग कर लेंगे। तो सकते, तो हम नहीं कह सकते, आसानी से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है सबसे बड़ी बात यह है कि, अब इसको कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। ये सब के चिन्ह को हम लोग ऐसे लिखते हैं लाइन पर, सब का चिन्ह आपको पता है, सब ऐसे सब लाइन पर बना दें तो सब सबसे होता है, सब या सबसे, तो ये हो गया सब। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सब और ये सब वृत्त से और ये बड़ी, सबसे बड़ी वाक्यांश सबको याद होगा, सब से और ये बड़ी, ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं। तो सबसे बड़ी, आगे यहीं पे हम लोग जोड़ेंगे बात वाले चिन्ह को, बात वाला चिन्ह ऐसे होता है ना। तो अब इस था आंकड़े का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो जोड़ना था यह है, तो सबसे ये हो गया यहाँ तक बड़ी, यहाँ तक जोड़ा बात, और ये जोड़ा यह है, यह है ना। अब इसी को पढ़ लेंगे है, तो यह है, और ये छोट डैश निकाला तो इसी को पढ़ लिया, इस यह में जो वृत्त है ना इसी को पढ़ लिया है, और ये की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, आसानी से हम लोग हमने लिख लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आपको। आगे है नहीं हो रहा है, इसको कैसे लिखेंगे देखिए। अब नहीं हो रहा है को जो चिन्ह हमें पहले से पता है उसका प्रयोग करेंगे। तो नहीं का सब चिन्ह आपको पता है ना, नहीं है ना, और इसी में जोड़ दिया हो। तो कभी भी नहीं हो हमें, हम लोग लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, नहीं लाइन पर होता है और इसी में जोड़ देते थे हो, ये हो जो है ना इसी को हमने यहाँ पलट दिया। तो नहीं हो रहा है, आपको याद है क्रिया में हमने बताया था रह से रहा है हो जाता है, रह और ह से रहा है हो जाता है। तो नहीं हो और इसी में इस रहा है को जोड़ देंगे, नहीं हो और ये रहा और ये है ना। और एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि नहीं और हो की रेखा डबल कर देंगे तो इसमें रहा जुड़ जाए, तो नहीं हो रहा और ये है। तो ऐसे भी हम लोग नहीं हो रहा है को लिख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जस्ट बगल में बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।